बीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ दीदारगंज क्षेत्र के केवी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा की गई, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के समर्थन में जमकर गरजे और कहा कि 10 मार्च रिजल्ट आने के बाद अगर सरकार बनती है तो छात्राओं के लिए स्कूटी और नौजवान छात्र के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। किसानों को एक बड़ी सुविधा, उन्होंने कहा कि जो किसान आज सिंचाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सिंचाई के लिए जो बिजली पंप लग चलती है उसका बिजली बिल नहीं देना होगा। मंच के माध्यम से जनता को सीधे संबोधित किया और इसी क्रम में शुभम राय मंडल मीडिया प्रभारी कृष्ण मुरारी के समर्थन में कहा कि न रहते हुए कृष्ण मुरारी तमाम काम किए। ठाकुर प्रसाद भाजपा नेता ने पत्रकारों से कहा कि दीदारगंज से जीत हासिल हो ही रही है और साथ में प्रदेश सरकार भी बनने जा रही है। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। लंबे समय से अभी अभी आपके मंत्री जी यहाँ आए हैं और तमाम घोषणाएं करके गए, बताएं उसके बारे में। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम आज यहाँ आए इस विधानसभा में। इस जीतती हुई विधानसभा में उन्होंने और ऊर्जा दिया, अहंकार भरी। आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी जीत वाली यह सीट है और निश्चित रूप से इस बार यहाँ का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यह मन बना चुका है डॉक्टर कृष्णदाई विश्वकर्मा जी को इस बार हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे, जिससे इस क्षेत्र की जनता का जो 25 वर्षों से लगातार जातिवाद के नाम पर सपा बसपा ने अपना। उन्होंने मंच से कहा कि अगर इस बार जीतते हैं तो इनको और कुछ बनाएंगे, किस तरह का इशारा था ये? तो क्योंकि बड़े नेता का इशारा था, जनता समझ रही है, पहले तो हम जीत दिलाएं तो निश्चित रूप से फिर हम लड़ के झगड़ के जो इशारा रहा बोले महिलाएं छात्राओं की स्कूटी तमाम व्यवस्था बोले, उसके बारे में बताएं आप यहाँ के क्या हैं उसके बारे में। मैं सर्वप्रथम अपने बारे में बता देना चाहूँगा, मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मंडल मीडिया प्रभारी शुभम राय, और जैसा कि आपने खुद ही देखा यहाँ पे डिप्टी सी एम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और उन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि मैं दीदारगंज की सीट निकलती है तो दीदारगंज को गोद लिया जाएगा और दीदारगंज के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी दोनों लोग बहुत ही विकास के लिए, जैसा कि आपने देखा श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी विधायक न रहते हुए भी हमारे तमाम जगहों पर सड़कें, जैसे कि सुंदरपुर कथौली में ओवर ब्रिज के लिए 1,62,00,000 रुपए सेंशन कराए माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। सरकार बनने के बाद क्या? सरकार बनने के बाद कोई ऐसी पहली बात तो सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी युवाओं पे ध्यान देने लगे। ठीक है, मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं, तालियों से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के सवार भारतीय जनता पार्टी देना पड़ता है में। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।